साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के सिस्टम चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर के। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए काफ़ी मशक्कत होनी पड़ती थी। ब्रांच पर जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिंगर लगाना पड़ता था और काफ़ी लंबा समय लगता था। लेकिन अब जिनको भी मोबाइल नंबर अपना अपडेट कराना है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। एक फॉर्मेट तैयार करके एप्लीकेशन लेकर के आप कर सकते हैं। कैसे होगा इसको मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे यह मोबाइल नंबर आप चेंज करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यदि पसंद आए तो, और अपने मित्रों में बताइएगा कि इस तरह से जो है फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट नंबर चेंजेस किए जा सकते हैं। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अकाउंट नंबर चेंज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने काम बंद कर दिया, दूसरी आईडी ले लिया और काफ़ी उनको परेशानी होती रही। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर गायब हो गए या उनके नाम से सिम नहीं थी या कुछ और भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई जिससे मोबाइल नंबर चेंज नहीं होता था। अब जो है आपको एक इस तरह से एप्लीकेशन आप मैनुअली हाथ से भी लिख करके दे सकते हैं या इस फॉर्मेट में भी भर करके आप दे सकते हैं। यह फॉर्मेट आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अब आपको लिखना है सेवा में, आप ऐसे एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद शाखा प्रबंधक महोदय फिनो पेमेंट बैंक जो आपके ब्रांच हैं जहाँ से आपकी आईडी है, आईडी आपको जानकारी नहीं है तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी। आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएंगे कि आपकी आईडी कहाँ से है। नहीं आपको जानकारी हो रही है तो आप फिनो पेमेंट बैंक जो लिखा हुआ है इसके नीचे जो है अर्बन चैनल मुंबई डाल देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। साथियों इसको जो है फिलअप करने के बाद आपको देना किनको है ये चीज़ ध्यान रहे कि इसको फॉर्मेट को आपको जो है आपके जो संबंधित CSO हैं, CRO हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, आपको इसे उनको देना है। अगर आपको उनका पता नहीं मालूम है, नहीं उनको दे पाते हैं तो आपको अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो आपके ऑपरेटर हैं आप उनको इसको व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे, आपका काम हो जाएगा। भरना क्या है ध्यान रहे, विषय बैंक में खाता मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ये आवेदन है। ये आवेदन जो है देखिए आप लिखना आपको महोदय सबने निवेदन है कि मेरा बचत खाता आपके फिनो पेमेंट बैंक के शाखा मैंने के शाखा में है जिसका खाता नंबर क्या है। खाता नंबर यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो तरीका मुझसे पूछ लीजिएगा या मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप अकाउंट नंबर अपना कैसे जानेंगे कि आपका अकाउंट नंबर है। मुझे आप अपने खाता मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, कृपया करके मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाए, अति कृपा होगी। आप इसको अपने भाषे में सुधार करके भी लिख सकते हैं। अब आपको अपना पुराना मोबाइल नंबर यहाँ देना है और नीचे नया मोबाइल नंबर देना है और आपको जो है हस्ताक्षर यहाँ नीचे करना है। मर्चेंट का नाम, मर्चेंट क्रमांक संख्या, मर्चेंट बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर व पद, तो आपको यहाँ कर देने हैं। जहाँ पर मर्चेंट क्रमांक संख्या लिखा मर्चेंट आईडी आपको यहाँ डाल देना है सही करके, और बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, हस्ताक्षर कर देने हैं और पूरा पता लिख देना है आपको। उसके बाद इस पर जो है जो आपके शाखा प्रबंधक होंगे उनका हस्ताक्षर होगा और ये 2 से 3 दिन अधिकतम 1 हफ्ते में आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अब ये नया प्रोसेस है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बहुत सारे लोग प्रोसेस करवाए भी होंगे या बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को देख करके करेंगे भी। तो साथियों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराने के लिए सहयोग करवाइएगा। क्योंकि हमारे द्वारा फिनो पेमेंट बैंक की जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर मिलती रहती है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।